तो फिर चलिए हमारी इस सैटरडे वाली पार्टी को बना देते हैं और भी इंटरेस्टिंग। अब लेकर चल रहे हैं हम आपको कुमकुम भाग्य के आर्यन यानी पुलकित भाग्या के पास। हमारी टीम सास बहू और बेटिया कर रही है पुलकित के साथ एक डे आउट। तो कैसा है पुलकित का घर और कैसे रखते हैं पुलकित अपने आप को सुपर फिट, आइए देखें। आर्यन का टशन। देसी मुंडे का स्वैगर। आलिया के बेटे की डियर जिंदगी। कुमकुम भाग्य में आर्यन खन्ना का किरदार निभाने वाले पुलकित भाग्या संग आज हम बिताने वाले हैं पूरा एक दिन। करेंगे उनके साथ होम टूर, जानेंगे उनके बारे में छोटी बड़ी बातें, मिलेंगे पुलकित के प्यारे दोस्त से, साथ ही देखेंगे क्या है पुलकित की फिटनेस का राज। क्योंकि आज हम आर्यन खन्ना की रियल जिंदगी में करने वाले हैं ताका झाकी, सीधा जाके उनके घर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस डे आउट की। हेलो, हाय पुलकित। सास बहू और बेटियां मेरे घर पे आई हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। प्लीज यू गाइस आर राइट ऑन टाइम। आई एम जस्ट हैविंग माय ब्लैक कॉफी, एंजॉयिंग माय सेल्फ एंड आई एम गोना टेल यू कैसे मैं अपना दिन शुरू करता हूँ। पहले मैं आपको घर दिखा देता हूँ, आइए। सास बहू बेटिया, आज है पुलकित के साथ यानी आपके आर्यन कुमकुम भाग्य के। तो कैसे, क्या दिन की शुरुआत करते हैं, क्या क्या करते हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके घर की सैर करने से, जहां वो अपने घर का कोना कोना दिखाएंगे, वार्डरोब में करेंगे ताका झांकी और साथ ही मिलाएंगे अपने इस पेट से। तो मेरे पहले दिन की शुरुआत कॉफी से होती है, ब्लैक कॉफी से, मेरे फेवरेट मग में, जो कि एक फैन ने गिफ्ट किया था। एंड अपना दिन में इसी से शुरू करता हूँ रोज एनी हाउ, एंड उसके बाद मैं शुरू करता हूँ अपना दिन में मिलाता हूँ। इसके साथ शुरू करता हूँ मैं अपना पहला दिन। ये आके मुझे उठाती है, मुझे प्यार करती है और मैं इसे वर्कआउट भी कर सकता हूँ। मैं इसको ऐसे लेके ऐसे यू डंबल मार लेता हूँ, सब कर लेता हूँ, ये सब करवाती है मेरे से। दिस इज पेनी, ये हमारे घर की फेवरेट है ना। हेलो बोलो। नहीं बोल रही है अभी, शी इज अ लिटिल शाय। तो ये मेरे घर का लिविंग रूम है, जहाँ पे मैं सुबह अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। यहाँ से व्यू एंजॉय करता हूँ और कॉफ़ी पीता हूँ। ऐसा कुछ खास व्यू नहीं है नहीं, बट मैं एंजॉय कर लेता हूँ इसमें भी। और ये तो रात का सामान है सब। फिर उसके बाद आइए अंदर की तरफ आइए। यहाँ पे आपको जगह जगह ऐसे टॉयज़ फैले हुए मिलेंगे, क्योंकि ये इसके लिए हमें रखने पड़ते हैं, है ना। ये मेरे से ज़्यादा फेमस हो जाएगी एक दिन। आइए, ये हमारा किचन वगैरह है, किचन एरिया। यहाँ से हम आएंगे, वहाँ काम चालू है, अभी काम चालू है, सुबह का टाइम है। ये गेस्ट बेडरूम एंड इस अपार्टमेंट में अभी हम थोड़े टाइम पहले शिफ्ट हुए हैं। यस, सो ये मेरा रूम है। अभी ज़्यादा ब्यूटीफाई हुआ नहीं, क्योंकि हम यहाँ रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं, तो अभी यहाँ बहुत कुछ आना है। यहाँ एक मेरी पेंटिंग आएगी, यहाँ लाइट्स आएंगी, इसको थोड़ा ब्यूटीफाई करेंगे। ये मेरा वार्डरोब है, जहाँ आपको लगेगा कि कपड़े भरे पड़े हैं, लेकिन यकीन मानिए ये कपड़े अभी कम हैं। मेरा बस चले तो मैं रोज़ नए कपड़े पहनूं, मैं एक टी शर्ट रिपीट भी ना करूं, और जूते भी। अभी यहाँ पे आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन ये सारे कवर्ड पड़े हुए हैं, यहाँ जूते 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 भरे हुए। मैं चाहता हूँ कि ये इतना ही एक इतना बड़ा वार्डरोब हो जो सिर्फ जूतों से भरा हो, लेकिन आई एम वर्किंग फॉर इट एंड इट विल हैपन सून। यहाँ पे हर जगह कपड़े हैं, सब जगह कपड़े ही कपड़े भरे हुए हैं, सूट्स, ये शॉपिंग। नहीं, मेरे सबसे ज़्यादा पैसे यहीं उड़ते हैं, मैं क्यों कमाता हूँ? खाने के लिए और इन पे उड़ाने के लिए, चाहे पहनो भी ना, मैं घर पे पहन के घूमता हूँ।
आउटफिट सब ऑलरेडी मुझे शौक है कि मैं ऑलरेडी पेयर बना के रखूँ उनके, तो ये पैंट और शर्ट के साथ फिक्स रहेगा। ये अभी मैंने कल ही जाके अपने पैसे फूटे हैं इस पर मैं लेके आया हूँ, कल ही, कहीं नहीं पहनना है मुझे, कहीं नहीं जाना है मुझे, मैं शूट पे जाता हूँ घर से शूट पे, लेकिन मैं लेके रखूँगा कि कहीं काम आएगा। सो या ऐसे चल रहा है। बाकी ये मेरा बेड है, ये भी मैंने खुद इसका पूरा डिज़ाइन किया है, इसका कलर फैब्रिक सब कुछ मैंने इसका खुद बनवाया है, एक एक वहाँ पे खड़े होके कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए डिज़ाइन निकाल निकाल के। तो घर की बात तो हो गई, घर आपने देख लिया, घर जब और सुंदर हो जाएगा तब मैं आपको और सुंदर घर दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं, अगर दिन की बात कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है फिटनेस। तो फिटनेस के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं लेके चलूंगा आपको अपने साथ मेरे जिम में, अपना वर्कआउट बताऊंगा, सब बताऊंगा। तो चले पुलकित संग उनके घर की सैर तो कर ली, अब बारी है जानने की उनके फिटनेस का राज। भाई एक भी दिन जिम और एक्सरसाइज मिस नहीं करते हैं, तो आइए हम भी ले लेते हैं पुलकित से फिटनेस की कुछ खास टिप्स। सो जिम के कुछ एसेंशियल्स होते हैं जो जिम में कैरी करने बड़े जरूरी हैं, जो मैं अपने हमेशा अपने साथ रखता हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा मेरे जिम बैग में क्या क्या जाता है, नहीं पहनी तुम नहीं जाओगे जिम बैग में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली मेरे शूज़, ये तो जाएंगे ही जाएंगे, हम वहीं जाके पहनेंगे वरना यहाँ पे गंदे हो जाएंगे। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मेरा परफ्यूम, क्योंकि परफ्यूम होना बड़ा ज़रूरी है। कौन अच्छी लड़की जिम में आ जाए कुछ पता नहीं होता, तो हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। तो दिस इज़ अ टिप फॉर ऑल द गाइज, जितने भी लड़के देख रहे हैं हमेशा जिम में परफ्यूम कैरी करना। उसके बाद ऑब्वियसली जिम टाल, और कुछ मतलब इसमें एक्सप्लेनेशन है नहीं, पोछने वोछने के लिए हाथ से पोछना ये वो नहीं करना है। बैड मैनर्स, मेरा जिम का जैकेट, और ज़रूरत पड़ने पर मैं ये भी अपने लिए खुद कैरी करता हूँ ताकि किसी से मांगना ना पड़े। वहाँ पे जाओ फटाफट करो, कभी ट्रेडमिल बिजी हो कुछ भी हो तो मैं करके आ जाता हूँ। ये है मेरे जिम एसेंशियल जो मैं हमेशा मेरे जिम बैग में रखता हूँ, छोटा सा बैग है, ज़्यादा कुछ नहीं रखना। चलते हैं जिम की तरफ। भाई जिम नहीं, आज तो पुलकित करने वाले हैं खुले आसमान के नीचे वर्कआउट। तो आइए हम भी जान ही लेते हैं कि आखिरकार पुलकित इतने फिट कैसे हैं। सो प्लान में थोड़ा चेंज है, एंड हम लोग जिम में नहीं, हम लोग बाहर जाके वर्कआउट करेंगे, क्योंकि जिम में तो रोज करते हैं, तो हम बाहर जाके वर्कआउट करेंगे। बहुत लोगों को बॉम्बे में प्रॉब्लम होती है कि ड्राइव करना पसंद नहीं है, ये नहीं होनी है, बट मुझे बहुत पसंद है बचपन से। जब मैं आई थिंक मैं 8th क्लास में था जब मैंने अपने पापा को बोला था कि मुझे गाड़ी सिखाओ, मुझे इतना शौक था गाड़ियों का। एंड आप मानेंगे नहीं, विद इन वन डे, एक दिन के एक घंटे के अंदर उन्होंने मुझे पूरी ड्राइविंग सिखा दी थी, एंड आई वॉज ड्राइविंग बाय माई सेल्फ, खुद गाड़ी चला रहा था वहाँ पर। मुझे इतना ड्राइव करना पसंद है, तो इनफैक्ट बॉम्बे के ट्रैफिक में भी लोग परेशान हो जाते हैं, मैं अपना म्यूज़िक लगा के, लाउड म्यूज़िक लगा के चिल करता हुआ जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इट इज़ लाइक अ थेरेपी एक सेशन फॉर मी कि हाँ बस गाड़ी चला रहा हूँ, अपने थॉट्स के साथ हूँ, सोच रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली मैं पहाड़ों से हूँ, देहरादून से, तो देहरादून में जब पहाड़ में आप गाड़ी चलाते हो तो रोड ऐसे ऐसे होती है, साफ सड़कें, खुली, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, और ऐसे ऐसे आप जा सकते हो आराम से। बहुत मज़ा आता है मुझे वहाँ पर गाड़ी चलाने में, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है गाड़ी चलाने। आप कितनी भी ड्राइव करवा लो, ओवर डिनर डेट्स आई प्रेफर ड्राइव डेट्स, लॉन्ग ड्राइव। तो अब हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे जहां पे हम करने वाले हैं अपना आउटडोर वर्कआउट, एंड यहाँ पे हम मैश शूज पहनेंगे और हम फिर सुबह वर्कआउट शुरू करेंगे, रनिंग से शुरू करेंगे।
सो हमने आज आउटडोर में वर्कआउट किया है। अब क्या होता है कि आउटडोर में मशीन्स नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो बहुत लिमिटेड वर्कआउट होता है। फिर मैंने कोशिश करी है कि आपके लिए फुल बॉडी कवर करूँ। तो हमने पहले रनिंग करी, स्प्रिंटिंग करी तो हमारे पैर के लिए हुआ, हमने लंजेस किया हमारे हैमस्ट्रिंग्स एंड क्वाड्स के लिए, हमने स्किपिंग करी हमारे ओवरऑल बॉडी फैट के लिए। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है स्किपिंग, अगर आप करते हो तो आपका फेस फैट, आपका टमी फैट सबसे पहले जाता है, बेस्ट एक्सरसाइज है। हमने किया है अपने ट्राइसेप्स के लिए, ट्राइसेप पुश डाउन कर रहे थे हम वहाँ पर। तो ऐसे करके आप बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो अपने डेली यूज़ में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, एंड आप लोग भी बाहर वर्कआउट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिम चाहिए ही चाहिए। सो वर्कआउट से एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ और है, वो है डाइट। तो अब डाइट मेंटेन करना फॉर एन आर्टिस्ट, मतलब जैसे मैं एक एक्टर हूँ तो उसके लिए मुझे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एक आध चीट डे चलता है, लेकिन उसके अलावा आई हैव टू टेक अ डाइट जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, कार्ब्स कम हो, आपका फाइबर हो, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आई एम नॉट अ वीगन, मैं नॉनवेज भी खाता हूँ, सब खाता हूँ क्योंकि खाना पड़ता है। एग्स खाता हूँ, चिकन खाता हूँ, फिश खाता हूँ अच्छे प्रोटीन के लिए, क्योंकि अच्छे डाइट के लिए प्रोटीन आपके बालों के लिए अच्छा होता है, आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है, आपके फैट के लिए अच्छा होता है, फैट काटने में हेल्प करता है। सो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एंड स्टिक टू नेचुरल चीज़ें, फ्रूट जूसेस हो गए, आप जितना लिक्विड डाइट लेंगे उतना और अच्छा होगा आपके लिए। तो मैं नेचुरल फ्रूट जूसेस पीता हूँ, कोकोनट वाटर पीता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है, एलोवेरा जूस थोड़ा 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 मिला के पीले तो आपकी स्किन, हेयर, बॉडी, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि नारियल पानी बहुत ज़रूरी होता है, तो हम पीने जा रहे हैं नारियल पानी। यहाँ बैक रोड पर बहुत अच्छा नारियल पानी मिलता है, मैं आपको दिखाऊंगा, चलिए। तो हम आ चुके हैं जहाँ से मैं रोज़ नारियल पानी पीता हूँ, फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और तो आज हम पियेंगे मेरा फेवरेट नारियल पानी, एक नारियल पानी दे दीजिए, इनसे मैं रोज़ नारियल पानी लेके जाता हूँ, है ना। इट इज़ अमेजिंग, ये एनर्जी के लिए अच्छा है, आपकी बॉडी को रिफ्रेश रखता है, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, स्किन के लिए, हेयर के लिए। तो मैं तो कहता हूँ सबको नारियल पानी पीना चाहिए यार, क्या ही हर्ज है इसमें, लो कैलोरी है, कुछ इसमें फैट नहीं है, रोज़ पियो। तो अब आपने हमारे साथ मेरे साथ बिता लिया है ऑलमोस्ट, हमारा काफ़ी टाइम हो गया है साथ में। आई होप आप लोगों को मज़ा आया, और देख के कि मैं कैसे अपना दिन शुरू करता हूँ, क्या वर्कआउट करता हूँ, कैसे करता हूँ। बाकी मैं ये बोलना चाहूँगा कि थैंक यू, आप मेरे कैरेक्टर आर्यन को इतना प्यार दे रहे हैं कुमकुम भाग्य में। मुझे लगा नहीं था इतनी एक्सेप्टेंस होगी, क्योंकि मैं किसी की जगह आया था, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा प्यार आप लोगों की तरफ से है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। शो पे मुझे इतना मज़ा आ रहा है, ये जी के साथ मेरा दूसरा शो है, लेकिन जो ये परिवार है इस शो का वो बहुत ही प्यारा है, सब बहुत ही प्यार से रहते हैं, हम सारे एक्टर्स साथ में खाना खाते हैं, एंड ऑलमोस्ट सब मेरी उम्र के हैं, तो मुझे इन लोगों के साथ बहुत मज़ा आ रहा है, सब बहुत ही प्यारे लोग हैं। तो आई होप कि आप हमारे शो को और प्यार देते रहें, और हम इसी तरह आप लोगों के लिए काम करते रहें, आपको एंटरटेन करते रहें। जितना आपने प्यार दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच, बट प्लीज़ 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 वॉच, कीप वॉचिंग आवर शो, एंड अपना प्यार हम पे बनाए रखें। तो देखा आपने, कुछ ऐसी है आर्यन खन्ना की रियल दुनिया। भाई कुमकुम भाग्य में तो वो आप सबका मनोरंजन करते ही हैं, और उम्मीद है कि वो ऐसे ही आप सबको एंटरटेन करते रहें। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।